टिपर एक हैवी ड्यूटी ट्रक होता है जिसे आम भाषा में डंपर भी बोला जाता है। इस ट्रक को यूज़ करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिलता है, मतलब अगर आप इस ट्रक को कहीं पर यूज़ करते हैं तो जिस बंदे ने भी यूज़ करवाया है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हमें पे करता है, जिसका रीज़न ये होता है कि ये एक हैवी ड्यूटी ट्रक है। तो अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आम भाषा में इसको बोलते हैं डंपर। अब ये जो डंपर है इसको आप कहाँ पर लगा सकते हैं कि आपको परमानेंट इनकम मिलती रहे, और किस तरीके से लगा सकते हैं, किन राज्यों में इस बिज़नेस को शुरू करना चाहिए, ऐसी ही कई सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, और कम पैसों में किस तरीके से आप इसका बिज़नेस शुरू कर सकते हैं ये भी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में हमें डंपर के बिजनेस को शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स इसकी कहाँ कहाँ होती है। तो ये जो डंपर है इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है माइनिंग सेक्टर्स में, मैक्सिमम माइनिंग सेक्टर्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर सॉयल माइनिंग की जाती है, मिट्टी की खुदाई होती है यहाँ पर, या फिर जहाँ पर कोयल माइनिंग की जाती है, कोयले की खुदाई होती है और उसे आगे निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है, या फिर जो पत्थरों को तोड़ा जाता है, क्रेशर्स लगे होते हैं और जो गिट्टियाँ होती हैं उनको भरकर ले जाना होता है, तो उसकी माइनिंग की जाती है। तो मैक्सिमम ऐसे एरियाज़ में इसका यूज़ होता है जहाँ पर या तो गिट्टी की माइनिंग होती है, या तो कोयले की माइनिंग होती है, या फिर मिट्टी की माइनिंग होती है। इसी के अलावा इसके यूजेस आपके एरिया के नगर पालिका में भी कई बार होता है, जिसमें जेसीबी कूड़ा भर के डालने के लिए इधर उधर भेजता है। तो आप अपने आसपास के एरिया में जो नगर पालिका है उससे भी बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लोग नॉर्मल ट्रक का भी यूज़ कर सकते हैं, इतने महंगे महंगे डंपर्स लेने की क्या ज़रूरत है। तो उसका एक बहुत ही आसान सा आंसर है कि ये एक हाइड्रोलिक ट्रक होता है जो कि आसानी से माल भरने के बाद माल को उतार भी देता है प्रेशर के द्वारा। बट जो आम ट्रक होते हैं उनमें प्रेशर मौजूद नहीं होता है, जिस वजह से उसे मजदूरों के द्वारा उतरवाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा समय भी उसमें लग जाता है। तो अगर कंपनी कोई काम कर रही है, उसे जल्दी काम अपना निपटवाना है, तो वो ये नहीं देखेगी कि मेरे पैसे कितने लग रहे हैं, वो ये देखेगी कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है। अभी बात करते हैं कि इस बिजनेस को हमें शुरू कहां पर करना चाहिए जिससे हमारे बिजनेस के जो चलने के चांसेस हैं वो ज्यादा अच्छे रहें। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की है कि ये माइनिंग्स में अधिकतर काम आता है, तो माइनिंग वाले जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर अगर आप इसे शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं चलने के। जैसे मान के रख लेते हैं झारखंड हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, या फिर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर माइनिंग लगातार चलती रहती है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर इन स्टेट्स में आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो इस बिज़नेस के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आपको करना क्या होगा, इन स्टेट्स में कई सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो कि माइनिंग करती हैं, अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, तो आपको अलग अलग कंपनियों के पास जाना है एंड उन कंपनियों से कहना है कि मेरे पास डंपर मौजूद है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप लगा सकते हैं। मोस्टली कंपनियां आपके डंपर को तुरंत लगा लेंगी, क्योंकि तो उन्हें तो ज़रूरत ही होती है कि कोई डंपर मिले और हम अपने पास रख लें। वो आपको वीकली भी पे कर सकती हैं या फिर वो आपको मंथली भी पे कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको ड्राइवर आपको खुद देना पड़ेगा, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ड्राइवर भी अपना लगा लेती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कंपनी से बात कर रहे हैं और कहां पर बात कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो यहां पर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अलग अलग डंपर्स के अलग अलग रेट हैं, जैसे कि टाटा सिग्मा अलग है और भारत बेंज जो आता है वो अलग है, अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर अलग अलग रेट्स रहते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस कंपनी के डंपर को लेते हैं।
यहाँ एक छोटे मोटे अनुमानित कीमत की बात करें तो कम से कम 20 से 30 लाख के बीच में आपको एक डंपर मिल पाएगा, एंड इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है। अगर आप अच्छा डंपर लेते हैं तो 40 45 तक भी मिलता है। बट आप ऐसा कर सकते हैं शुरुआत में कि आप EMI पर ले सकते हैं, और जैसे जैसे आपका काम चलेगा और बिजनेस आगे बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आप EMI पे कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसमें हमारी अर्निंग कितनी होगी, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको मंथ में कितना पे कर रही है। डीजल निकालने के बाद डीजल कंपनी अपना खुद का देगी, मोबाइल अपना खुद का देगी, अगर ड्राइवर भी कंपनी देती है तो यहां पर आपके ड्राइवर्स के भी पैसे बचेंगे। मैक्सिमम जो कंपनियां होती हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक पर मंथ का देती हैं जो डंपर ऑनर्स हैं उनको, बाकी आप जिस तरीके से भी जिस कंपनी से बात कर पाते हैं अपने एरिया में। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप डंपर के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।